नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो अपने WhatsApp में स्टेटस लगाते हैं, जिस व्यक्ति का आप अपने फोन में कॉन्टेक्ट सेव किए रहते हैं, उन सभी को आपकी स्टेटस दिखती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम अपने WhatsApp स्टेटस लगाएं और हम जिसे चाहे सिर्फ वो ही व्यक्ति देखे, बाकी सभी लोग न देखे। दोस्तों कभी कभी होता है कि WhatsApp में स्टेटस के रूप में अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगाते हैं और हम चाहते हैं कि सभी व्यक्ति न देखे, सिर्फ हमारी वो गर्लफ्रेंड ही देखे। तो ऐसा करने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने फोन में WhatsApp को, और दोस्तों WhatsApp ओपन हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही व्यक्ति स्टेटस हमारी देखे जिसे हम दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस तीन बिंदु पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तीन बिंदु पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स, और दोस्तों सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट्स, यहाँ पे आप अकाउंट्स पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना होगा प्राइवेसी में, और प्राइवेसी पे यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। ये डिफॉल्ट रूप से टिक रहता है माई कॉन्टेक्ट पे, मतलब कि आप अपने फोन में जिस नंबर को सेव किए होंगे आपकी स्टेटस उस व्यक्ति को दिखलाई जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पे अगर आप इस नंबर पे टिक करते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि सिर्फ वो व्यक्ति को हमारी व्हाट्सएप स्टेटस न दिखे। मतलब कि यहाँ पे आपके फोन में 200 250 या 300 जितने भी कॉन्टेक्ट है उनमें से अगर आप कुछ फ्रेंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी व्हाट्सएप स्टेटस उन्हें न दिखे, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं उन्हें है। टिक कर देने के बाद आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आप जितने फ्रेंड को यहाँ से टिक किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उनको आपकी व्हाट्सएप की स्टेटस नहीं देखेगी, बाकी जितने भी ये नंबर सेव है उन सभी को आपकी ये व्हाट्सएप की स्टेटस दिखेगी। यहाँ से हम आते हैं अगर बैक, और यहाँ पे डिस्कार्ड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओनली शेयर विद, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम सेट कर सकते हैं सिर्फ एक या दो या फिर तीन व्यक्ति को अपनी स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम टिक करके सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने व्यक्ति को टिक कीजिएगा सिर्फ उतने ही व्यक्ति आपकी व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, बाकी और कोई भी व्यक्ति आपकी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं दिखेगा। तो ऐसा टिक कर देने के बाद आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा डन पे। दोस्तों इस तरह की सेटिंग कर देने से सिर्फ वही व्यक्ति आपकी व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे जिन्हें आप सिलेक्ट किए हैं। अगर आप इसे वापस फिर से ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टेटस पे क्लिक करके और माई कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे पहले की तरह सेटिंग आपके फोन में सेव हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।